बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंगना पर ऐसी विवादित टिप्पणी की जिस पर अब बवाल मच गया है। देखिए रिपोर्ट। इधर बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया, उधर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया सिरनेत ने इंस्टाग्राम से लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद सुप्रिया सिरनेत को आलोचकों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में यह पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन बीजेपी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोल रही है और सुप्रिया सिरनेत का इस्तीफा भी मांग रही है। जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह बताए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों का पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह से दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रिया सिरनेत ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा, किसी ऐसे व्यक्ति ने मेरे मेटा अकाउंट तक पहुंच हासिल कर ली, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी जिसे हटा दिया गया है। जो कोई मुझे जानता है वह यह समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वह अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत और भद्दी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ, मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ, तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। वहीं अब बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की बेटी है, उन्होंने फिल्म जगत में मंडी का नाम रोशन किया है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती।